हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी में सफ़ेद पानी आना, क्या ये सही है या फिर गलत है? ये अच्छा होता है प्रेग्नेंट महिला के लिए या फिर नहीं होता है? या फिर प्रेगनेंसी के दौरान सफ़ेद पानी ज़्यादा आना या फिर कम आना, ये किसी बीमारी का संकेत होता है? क्या पता लगता है कि बच्चा गर्भ में इससे सुरक्षित है भी या नहीं है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होते हैं। प्रेग्नेंट महिला के लिए सफ़ेद पानी आना एक बहुत स्वाभाविक और नेचुरल प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें कुछ खास और विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ये सफ़ेद पानी बहुत ही हाईली इन्फेक्शंस के रीजंस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे तक ये जो इन्फेक्शन है वो जा सकता है, बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस कारण इस वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले कि महिलाओं को सफ़ेद पानी आना सही होता है या फिर गलत है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आपके शरीर में होते हैं, और इस वजह से जैसे ही आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बढ़ते हैं, आपके शरीर से सफ़ेद पानी भारी मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है। शुरुआत के दिनों में जब आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं या फिर प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तब उस वक्त से ये डिस्चार्ज हल्का हल्का निकलना शुरू होता है और ये काफ़ी पतला होता है, लेकिन महीने दर महीने जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती चली जाती है, आपका ये डिस्चार्ज जो होता है वो और थिक होता चला जाता है, यानी सफ़ेद पानी गाढ़ा होने लग जाता है। किसी महिलाओं को ये पानी बहुत ज़्यादा निकलता है और किसी महिलाओं को कम निकलता है, तो ये टोटली आपके फिजिकल हार्मोनल चेंजेस पे डिपेंड करती है। लेकिन इसके आने के पीछे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संकेत भी होता है। आपके गर्भाशय की परतें या गर्भाशय के अंदर जो बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए, इसे 100% सेफ रखने का काम आपका ये सफ़ेद पानी ही करता है। यानी कि गर्भाशय से जितनी भी गंदगी होती है उसको बाहर की और ये सफ़ेद पानी ही निकालता है, साथ ही साथ बाहर से किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अंदर की ओर जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से बच्चा सेफ रहता है, किसी भी संक्रमण में नहीं आ पाता है, संक्रमित नहीं होता है। तो इसके लिए वाइड डिस्चार्ज निकलना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्णता होती है कि किसी भी महिला को अगर प्रेग्नेंट होना होता है तो ये सफ़ेद पानी एक तरह से हार्मोनल बैलेंस आपका बढ़ने की वजह से ओवुलेशन के दौरान गाढ़ा चिपचिपा भी हो जाता है, जिसमें कोई गंध नहीं होता है, जिसमें कोई रंग नहीं होता है, और ये ओवुलेशन के संकेतों में से एक होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिसकी वजह से सफ़ेद पानी प्रेग्नेंट महिला को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अब बात करती हूँ कि अगर आपको सफ़ेद पानी आ रहे हैं और उसके अलावा आपको इन्फेक्शन के भी लक्षण इस सफ़ेद पानी में दिख रहे हैं, तो आपको कुछ संकेत शारीरिक रूप से महसूस होने लगेंगे, जैसे कि इस सफ़ेद पानी को निकलते समय खुजली का एहसास होना, या जलन का एहसास होना, या लालिमा पड़ जाना आपके हेयर लाइन के आसपास जहाँ से यूरिन का पैसेज होता है, रिलेशन इस्टेब्लिश करने में आपके हस्बैंड के साथ आपको प्रॉब्लम होना, रिलेशन के बाद हो सकता है कि आपको हल्के फुल्के ब्लीडिंग आ जाए, और जब ये डिस्चार्ज निकलता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बदबू आना, इसी के साथ इस डिस्चार्ज का एक प्रॉपर जो हेल्दी डिस्चार्ज है कलर होता है वाइट कलर या हल्का येलोइश, जिसे हम क्रीम कलर भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी कलर इसमें दिखाई देने लगे, यानी वाइट कलर तो है लेकिन दही के जैसा फटा फटा कर्ड के जैसा है, या फिर ग्रीन कलर का है या बहुत पीलापन लिए हुए है, या फिर ब्राउन कलर का या रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो इस वक्त आपको समझ जाना है कि आपको इन्फेक्शन वाले डिस्चार्ज हो रहे हैं, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि कई बार बच्चेदानी तक पहुँच सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होती है, और इसमें कभी भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए। कई बार डिस्चार्ज के साथ महिलाओं को फीवर भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, और हेडेक भी हो सकता है। तो अगर आपको डिस्चार्ज में इस तरह की कोई भी चेंजेस फील हो तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। इसी के साथ साथ डिस्चार्ज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का महत्वपूर्ण कारण महिलाओं का अनहाइजीनिक रहना होता है। अनहाइजीनिक का मतलब होता है कि यदि आपको डिस्चार्ज आता है, जो कि नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में आएगा ही, तो अगर ज़्यादा आता है तो आपको पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ कॉटन क्लॉथ्स के ही बने हुए पैंटीज का आपको यूज़ करना है। पैंटी का चेंज करने का जो टाइम होता है वो 4 से 5 घंटे का मैक्सिमम होता है, तो इतने टाइम में आपको पैंटी चेंज कर लेनी है। जब भी वॉशरूम पी पास करने भी जाती हैं तो साफ पानी से आपको अपने अंगों को साफ करना है, धोना है। इसके अलावा अगर हल्की फुल्की सी इचिंग वगैरह हो रही है तो आप चाहें तो वीक में 2 बार अजवाइन का पानी उबाल करके वॉशरूम में यूज़ कर
सकती हैं, नीम के पत्तों का पानी बॉयल करके यूज़ कर सकती हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए नेचुरल कारगर उपाय होते हैं, जिससे कि महिलाओं का हेल्थ भी अच्छा होता है, उनके अंग भी साफ रहते हैं, कभी भी इन्फेक्शन आपको नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए। कई बार स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जिसकी वजह से बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जिसके कारण आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं और सफ़ेद पानी से जुड़ी हुई समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। तो आई रियली होप फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो में सारे ही आंसर्स मिल गए हैं कि आपको सफ़ेद पानी आना अच्छा होता है, किन कंडीशनों में और किन कंडीशन में नहीं होता है। ये वीडियो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल है कि हर प्रेग्नेंट महिला तक आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और अगर आपके पर्सनल कमेंट्स या क्वेरी हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ताकि इंस्टेंटली में भी मैं उसके आंसर दे सकती हूँ, या फिर बाय द वे मेरे पास टाइम कम हो तो मैं सेपरेटली वीडियो भी बनाकर आपको इसकी जानकारी पूरी पुख्ता विस्तृत रूप से बता सकती हूँ। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो मेकश्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको डेली इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। मेरा नाम पूजा है, अगली मुलाकात एक नई वीडियो के साथ होगी। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।